पीछे वाली जो फोटो है उसमें डुब्बू है चिनू की गोदी में, है ना? आ जाओ मम्मा, आप मुझे नंबर गेम खेलने नहीं देती हो। मैं दूंगी भी नहीं। आप खुद जब आप दोगे मुझे तो मैं आपसे ले लूंगी। कोई बात नहीं, बस जब आपने मुझे नहीं दिया तो मैं गुस्सा होंगी। कोई बात नहीं, हो जाओ आप गुस्सा। कितना गुस्सा होंगी आप? गुड मॉर्निंग एवरीवन, और कैसे हैं आप सब? आज फिर से जर्नी स्टार्ट हो रही है और बड़ी लंबी लंबी जर्नीज होने वाली है, मतलब पूरा पूरा दिन लगेगा। तो बस अभी निकलेंगे थोड़ी देर में और आपसे मिलते हैं अब रास्ते में या फिर शायद बाहर में भी। समझ पा रहा हूँ, विश्वास नहीं हो रहा है। बस सामत यहाँ आ जाओ बेटे, दादा पापा आगने उसके आगे मत जाना बेटा, स्पीड ब्रेकर के आगे नहीं जाना, ठीक है? फिर आप जबरदस्ती जा रहे बेटे, वो दूसरा भी आ गया पीछे से। हाथ आ गया ना बेटे। यहाँ पर मम्मी पापा ने लगाया है लहसुन, धनिया, सोया और ये है आलू लगाए हुए। लास्ट ईयर तक यहाँ पर एक पपीते का पेड़ भी था जो कि अब नहीं है, और बस यही है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है इस टाइम पे आसपास। और ये है फूल धनिये में लगे हुए, और दूर दिख रही है स्नोफॉल, बहुत ही सुंदर हमारे घर से दिखती है और बड़ा अच्छा लगता है। शुरू से बहुत सुंदर लगती है ये चीज़ मुझे। यहाँ पर डुगू बैक करा रहा है गाड़ी को। डुगू पीछे जाओ, चलो आ जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ। चलो चलो चलो, और ऊपर को लो। अब हमारा ज्वाला जी का सफर शुरू हो चुका है और हम कवर करेंगे सोलन से अर्की, अर्की से बिलासपुर, बिलासपुर से हमीरपुर, हमीरपुर से कांगड़ा। ये है अर्की कॉलेज जो कि दिख रहा है सामने, थोड़ा 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 दिख रहा है। वो देखनी। ये है हमारा पीयूष, और पीयूष ने डुगू को बहुत तंग किया है सारे रास्ते, मतलब इतना ज्यादा तंग किया कि मैं क्या बताऊं। तंग मीन्स इसको ना बहुत छेड़ा है। यहाँ पे हमें नीचे की ओर दिखेगा बातल विलेज, बहुत ही बड़ा गाँव है ये, बहुत ही बड़ा गाँव है। फोन में बैटरी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे फिर? भारती नहीं कहा था कभी दारला रोड की तरफ कुछ, उनका ही मम्मी दाड़ लगाती है अभी आजकल, वही मैं सोच कि वो बताया था किसी ने दाड़ला दाड़ला। देखो साइड में बेटे, साइड में पीछे हो जाओ, आगने पीछे बेटे पीछे। एचआरटीसी की बस आ रही है बच्चा, एचआरटीसी की। स्माइलू 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 स्माइलू। दारला घाट से दूर पहाड़ियों पे भी बर्फ दिख रही थी, और दारला घाट में भी हमें बर्फ पड़ी हुई दिखी है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमने स्नोफॉल देखी है। कंदरार पुल, ये ब्रिज बहुत ही बड़ा है और एशिया का हाईएस्ट ब्रिज है,
और नीचे सतलुज बह रही है और कनेक्ट करता है ये ब्रिज बिलासपुर को हमीरपुर के साथ। देखने में इतना सुंदर लग रहा था ना, यहाँ पर दूर से जब हम देख रहे थे तो हमें था हम रुकें, लेकिन साइड में स्पेस नहीं है और बहुत ही रिस्की हो जाता है। फिर हम लोग रुके हुए हैं हमीरपुर में। हमीरपुर में कौन सी जगह? ये जगह शातलाई घुमारवी से आगे हम, है ना, घुमारवी से आगे हैं। यहाँ नहीं बन रही मैगी बेटे, नहीं यहाँ नहीं बन रही मैगी, मैगी की खुशबू है। ये हमारा छोटू सा बच्चू जिसका फिर मुंडन होना है। नहीं 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 नानी कार का है, नानी का है। मम्मी पापा पापा कम हाथ कर रहे हैं सिर के। वो नानी नानी आ रही, नानी नानी आ गई। ये क्यों उठाया इसने? नानी आई, नानी कार दिखानी है इसने। सामने आपको धौलाधार दिखेगी अगर आप बहुत ध्यान से दिखोगे, क्योंकि क्लाउड्स और धौलाधार दोनों को ही सेपरेट करना और पहचानना बहुत मुश्किल है। इतने सुंदर लग रहे थे ना ये, इतने सुंदर लग रहे थे मैं आपको नहीं बता सकती जब तक कि आप इस जगह पे खुद नहीं जाते हो। ये तो बाग है भाई, यहाँ सब के जाना। देखो यहाँ ना पता नहीं लग रहा है कि ये बादलों के बीच में दिख रहा है वो। और एक चीज़ और बतानी थी, अभी हमने जिस ढाबे पे खाना खाया ना, दुर्गा का खाना बहुत टेस्टी था। अगर आप बहुत थक के आ रहे हो ना और फिर आपको खाना अच्छा मिल जाए तो क्या ही चाहिए। आजकल मुझे बहुत ही अच्छे सनसेट्स गाड़ी में से देखने को मिल रहे हैं। मतलब पहले एक बार देखा, फिर अब दूसरा दिन है गाड़ी में ऐसे ही। बहुत ही सुंदर लग रहा है सनसेट, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। बिल्कुल रेडिश रेडिश हो गया था आसपास और अब हम बस पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी देर पे अपने डेस्टिनेशन पे। कितना सुंदर लग रहा है सनसेट इस टाइम पे। तो ये है होटल जहां पर हम रुक रहे हैं और ये है हिमाचल गवर्नमेंट के अंडर और ये है मैं जो कि अभी ऐसी हालत में आ चुकी हूँ यहाँ पर। बहुत बुरी हालत होगी, कितना ट्रैवल किया, सुबह से ट्रैवल ही कर रहे हैं। और मतलब एचपी गवर्नमेंट का होटल अच्छा है, नाइस 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 नाइस। तो हमारे यहाँ पर ना जब भी कभी मुंडन करवाते हैं ना तो वो मुंडन जो होता है वो होता है ज्वाला जी में, ज्वाला माता जी का जो मंदिर है वहाँ होता है मुंडन। और मैं यहाँ पर आई हूँ फर्स्ट टाइम, क्योंकि आदमी का मुंडन तो ऑब्वियसली यहाँ नहीं हुआ है, क्योंकि जहाँ से अब मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ ये रिवाज नहीं है। बट मेरे मायके की तरफ को ये बहुत माना जाता है कि बच्चे की पहली बार आपको पूरा मुंडन करवाना तो ज्वाला माता के मंदिर में करवाते हैं। और मैं अभी वहीं आई हूँ और अभी मंदिर में एक्चुअली अभी तो होटल में हूँ। कल जो मुंडन होगा और जो मेरा छोटा सा बच्चा जो आपको वीडियोज़ में दिखते ना बड़े बड़े बालों के साथ, वो बिल्कुल उसके बाल ज़ीरो कट जाएंगे। आज का जो ट्रैवल रहा है ये काफ़ी हेक्टिक हो चुका है एंड में, क्योंकि हम सुबह 9:30 चले थे और अभी का टाइम हो रहा है यहाँ पर 6:10 का अभी टाइम हो रहा है। तो व्यू जो था बहुत अच्छा था, इवन थोड़ा सा व्यू मैंने आपको बहुत कोशिश करी दिखाने की, पता नहीं आपको वहाँ पता लगा कि नहीं। जो बहुत धौलाधार है ना वो काफ़ी ऊंची ऊंची जो उसकी पहाड़ियाँ हैं, आई थिंक धौलाधार मतलब सब तो धौलाधार ही कर रहे थे तो धौलाधार ही होगा। और उसकी जो पहाड़ियाँ थी ना वो बहुत ऊंची ऊंची, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बादलों के साथ मर्ज हुई हैं, नहीं पता लग रहा था कि बादल हैं कि पहाड़ियाँ हैं, इतना मुश्किल हो रहा था। और जो व्लॉग है ना आजकल को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो चुका है सफ़र एंड नाउ इट्स टाइम टू टेक रेस्ट। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वाले व्लॉग में मैंने 4 डिस्ट्रिक्ट क्रॉस किए हैं।